सर्राफा मंडल के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बर्डघाट स्थित रामलीला मैदान में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य ने दीप प्रज्वलित कर तथा श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पित करके शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ किया तथा सभी नई कार्यकारिणियों को शपथ दिलाया। नए सर्राफा मंडल कार्यकारिणी में गणेश वर्मा अध्यक्ष, संतोष वर्मा उपाध्यक्ष, संजय वर्मा महामंत्री, हरिद्वार वर्मा मंत्री, वीरेंद्र वर्मवाल मंत्री, गोपाल वर्मा मीडिया प्रभारी ने शपथ लिया तथा सभी प्रतिनिधियों ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सर्राफा मंडल के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी संगठन अपने व्यापारी संगठन के हित के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी काम करता है। सर्राफा मंडल के सभी पदाधिकारियों का योगदान गोरखपुर के विकास में मुख्यमंत्री के साथ हमेशा रहा है तथा सर्राफा मंडल के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। वहीं सर्राफा मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश वर्मा ने बताया कि सर्राफा मंडल के सभी दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालसीगंज में पार्किंग की समस्या है, उसका निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, विधान परिषद सदस्य सीपी चंद्र, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सर्राफा मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश वर्मा तथा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा मंच पर आसन जो माननीय पदाधिकारी गण हैं, स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समा, महामंत्री श्री मनोज जी वर्मा मंत्री और श्री साई मिलकर के बड़ा एक सुंदर सा ये जो 16 श्रृंगार आते हैं, तो 16 श्रृंगार में आभूषण का जितना महत्व करते हैं, नक्काशी करते हैं, तो वो आभूषण का रूप लेता है। आप सबका स्वागत है, आप मंच पे विराजमान होइए और हमारे मंच की गर्व को प्रणाम कर रहे हैं। और ये संयोग पूरा हुआ, हमने आभूषण की बात कर रहे थे कि एक आपको मंच पर आसीन करने के लिए आपसे हमारे हरिद्वार वर्मा जी, ये उनकी ऊर्जा है और ये उनका स्नेह है, उनका प्रेम। श्री बिंदेश्वरी जायसवाल जी जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जो पूर्व चेयरमैन भरत, आपसे निवेदन है कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के निर्वहन करूंगा सर्राफा मंडल गोरखपुर द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के प्रति सच्ची निष्ठा व श्रद्धा रखूंगा और संगठन की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। बहुत बहुत जो कि सर्राफा मंडल गोरखपुर में अपना पद निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अपने पद का नाम पद पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निष्ठा
एवं ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के निर्वहन करूंगा सराफा मंडल गोरखपुर द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के प्रति सच्ची निष्ठा व श्रद्धा रखूंगा और संगठन की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहूंगा गणेश वर्मा अध्यक्ष सराफा मंडल अभी सराफा मंडल के ऊपर बहुत दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करना है, जिसमें जैसे कि पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करना और भी कई चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को कराना रहेगा। मूल हमारी समस्या पार्किंग है, जो जीडीए द्वारा भी कुछ अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जो नए नए कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसमें भी सब अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कमेटी के लिए तो कमेटी के जो सर्वण विकास के लिए जो भी हमारे विधि व्यवस्था में जितने भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूर्ति करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। हाँ, सराफा मंडल गोरखपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। निश्चित रूप से कोई भी व्यापारिक संगठन से जिसका गठन होता है वो अपने व्यापारिक संगठन के हित के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी काम करता है। सराफा मंडल गोरखपुर के सभी पदाधिकारियों का योगदान गोरखपुर के विकास में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा रहा है और आज उसी शपथ ग्रहण समारोह में हमारे गोरखपुर के माननीय जनप्रतिनिधि गोरखपुर ग्रामीण के विधायक गोरखपुर सहजनवा के विधायक सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामना देने के लिए इस समारोह में उपस्थित हुए हैं।